ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखरपुर हुए हमले से जुड़ी। इस हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार सवार कुछ हमलावर चंद्रशेखर पर गोली चलाते दिखे। हालांकि गोली चलाने के बाद सभी हमलावर फरार हो गए। वहीं इस हमले में चंद्रशेखर बाल बाल बच गए। गोली सिर्फ उन्हें छूकर निकल गई, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। और चंद्रशेखर पर यह हमला तब हुआ जब वो सहारनपुर के देवबंद इलाके में मौजूद थे। उसी वक्त उन पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इस हमले में चंद्रशेखर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। ये घटना तब हुई जब चंद्रशेखर दिल्ली से अपने घर सहारनपुर के छुटमलपुर कस्बे जा रहे थे। आरोप है कि तभी हरियाणा नंबर की एक कार से आए हमलावरों ने उन पर एक के बाद एक चार गोलियां दाग दी। इस हमले में कार के शीशे टूट गए और एक गोली उनके पेट को छूती हुई निकल गई। मुझे तो सही तरह याद नहीं है, हमारे साथियों ने पहचाना। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर हुए इस हमले के बाद वहां हड़कंप मच गया। फौरन इलाज के लिए उन्हें देवबंद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, बाद में उन्हें सहारनपुर रेफर कर दिया गया। गोली पेट को छूकर निकली है और जो मजरूब हैं उनकी स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर हैं। वहीं इस घटना के बाद पुलिस इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश में जुट गई। उधर बड़ी खबर आ रही है, जम्मू से लेकर गुजरात तक मानसून ने बहुत तगड़ा धावा बोल दिया है। जम्मू के कई इलाकों में तो बाढ़ का अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के लिए अगले 5 दिन बहुत ज्यादा भारी हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन तीनों राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। गुजरात के लिए तो उल्टी गिनती शुरू भी हो चुकी है। वहां आने वाले 24 घंटे संकट से भरे हुए हैं। वहां भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बल्कि गुजरात में मानसून ने अपना रंग दिखाना भी शुरू कर दिया। वहां के सूरत में इतनी बारिश हुई कि लोग बेहाल हो गए। सुबह से ही ऐसी बरसात शुरू हुई कि फिर उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि जगह जगह पानी भर गया और ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। क्योंकि सामने आई एक तस्वीर में एक हाईवे के पास सर्विस रोड पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई, मगर एक मोटरसाइकिल सवार और एक कार उस सर्विस रोड पर ही चल दिए। पर पानी इतना था कि उनके पहिए बीच मझधार में जवाब देते नजर आए। मोटरसाइकिल चला रहे शख्स को तो सामने मुसीबत दिख गई, इसलिए वो आधे रास्ते से ही वापस मुड़ गया। मगर कई जगह लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जैसे तैसे पानी से भरी सड़क पर गाड़ी चलाते दिखे। लेकिन कई गाड़ियों ने तो दम ही तोड़ दिया, उन्हें धक्का देकर पार लगाना पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। वहीं सूरत के कुछ इलाकों में पानी पूरे रास्ते पर कब्जा जमा चुका था, लेकिन बारिश ने भी ऐसी जिद ठानी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन आफत अकेले सूरत पर ही नहीं बरसी, बल्कि गुजरात के वलसाड जिले में भी कई जगह धुआंधार बारिश हुई। वहां भी बारिश ने सुबह ही धावा बोल दिया और घंटों तक बादल बरसते ही रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जगह जगह सड़कों के कोने कोने में पानी ने पैर पसार लिए। लेकिन इतना पानी बरसाने के बाद भी बारिश थमी नहीं। सड़क पर वैसे ही चला नहीं जा रहा था कि तेज बारिश की वजह से सामने देख पाना भी मुश्किल हो गया। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आने वाले कुछ दिन भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब मुंबई पर आसमान से बूंदों की शक्ल में आफत बरस सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मुंबई में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि कुछ घंटों की बारिश से मुंबई के कई इलाकों के हालात बिगड़ने शुरू हो गए। निचले इलाकों में तो पानी भी भरने लगा। यही नहीं, तेज बारिश की वजह से मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई किलोमीटर का जाम लग गया। मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। इसी तरह भांडुप इलाके में भी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और वहां जैम जैसे हालात बन गए। और अब मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। और लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में पानी भरने से कई सड़कें और रास्ते बंद हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी शहर के अंधेरी इलाके में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद सबवे कुछ ही घंटों की बारिश के बाद भर गया। वहां किसी तरह का कोई हादसा न हो, इसे देखते हुए फौरन बैरिकेड लगाकर सबवे से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा पंप से पानी निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया। इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद है और अंधेरी का सबवे जो है वो पूरी तरीके से भर गया है। अकेले अंधेरी ही नहीं, बल्कि मुंबई के कई दूसरे इलाकों में भी पानी भरने से सड़कें बंद हो गईं। मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाले हाईवे पर भी पानी भर गया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। वहीं महाराष्ट्र के नवी मुंबई में भारी बारिश की वजह से एक हाउसिंग सोसाइटी की दीवार गिर गई, जिसकी वजह से वहां कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। लेकिन भारी बारिश की वजह से दीवार गिरने की इस घटना ने हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों को खौफ से भर दिया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के एक इलाके में दीवार गिरने के बाद की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर में दीवार के मलबे के नीचे कई महंगी और लग्जरी गाड़ियां दबी नजर आईं। कुछ गाड़ियां तो दीवार के मलबे में दबकर बुरी तरह पिचक गईं, जबकि दूसरी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। गरिमत यह रही कि दीवार गिरने के वक्त वहां कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इसी तरह मुंबई के विक्रोली इलाके में भी तेज बारिश से एक चौल के ऊपर दीवार भरभरा कर गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
इस बीच मुंबई के बोरीवली इलाके में बारिश की वजह से कई फीट तक पानी भर गया, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां सड़क पूरी तरह पानी से लबालब भरी नजर आई, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं और ऐसा लगा मानो पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया हो। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसमें कई लोग फंस गए। वहीं सड़क पर कई फीट तक पानी भर जाने की वजह से गाड़ियां भी फंस गईं, जिनको धक्का देकर पानी से बाहर निकालने की कोशिश की गई। वहीं पानी के बीचों बीच कई स्कूटर भी बंद हो गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जल भराव की सूचना मिलते ही मुंबई के नगर निगम यानी बीएमसी के कर्मचारी वहां पहुंचे और मैनहोल को खोलकर पानी को सड़क से निकालने में जुट गए। इधर महाराष्ट्र के गोंदिया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक लड़का अपनी साइकिल के साथ पानी की तेज लहरों में बह गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों से अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से गोंदिया के एक इलाके में एक लड़का अपनी साइकिल समेत नदी में बह गया। सामने आए वीडियो में एक लड़का साइकिल से पुल पार करने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन उफान के आगे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो साइकिल समेत नदी के किनारे जा पहुंचा। हालांकि उस लड़के ने खुद को पानी के बहाव से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन लहरों के सामने उसकी एक न चली और वो अपनी साइकिल के साथ बह गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद उस लड़के को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के बाद एक पुलिस थाना तालाब में बदल गया। कुछ ही घंटों में वहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि थाने के अंदर पानी भर गया और पुलिस वाले घुटनों तक भरे पानी के बीच काम करते दिखे। मूसलाधार बारिश के बाद मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के कोने कोने में पानी भर गया। ऐसा लगा जैसे पूरा थाना तालाब बन गया हो। अधिकारियों के केबिन, फरियादियों के बैठने की जगह और कैदियों को रखने वाली जेल के अंदर पानी भर गया। बारिश के बाद थाने के आसपास की सड़कों पर भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। उधर खबर है कि अगले 5 दिनों तक केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात और गोवा में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और अगले 5 दिनों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और इन राज्यों के कई इलाके ऐसे होंगे जहां बेहद भारी बारिश हो सकती है। इस आफत की सबसे ज्यादा संभावना कोंकण और गोवा, गुजरात और अरब सागर से लगने वाले महाराष्ट्र के हिस्सों में होने की है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जो पहले से ही बारिश के कारण बेहाल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के तो कई बांध भी ऐसे हैं जो लबालब भरे हैं और उन्हें जल्द ही खोलना पड़ेगा। नदियों में बढ़ रहा पानी का स्तर और सड़कों पर जमा हो रहा सैलाब आफत की बड़ी वजह बन चुका है। ऐसे में अगले 5 दिन तक अगर बरसात हुई तो केवल मुसीबत की नहीं बल्कि तबाही की वजह हो सकती है। इस बीच महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बारिश ने वहां के कई शहरों की मुश्किलें बढ़ा दी। महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहां के कई शहरों में तो तेज बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। यही वजह है कि मुंबई और पुणे समेत राज्य के कई शहरों पर आफत आ गई। वहां मूसलाधार बारिश की सबसे ज्यादा मार ठाणे पर पड़ी और वहां तो ऐसी बारिश हुई कि कई इलाके तालाब में बदल गए। परेशानी तब और बढ़ गई जब मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद राज्य के मुंबई, ठाणे, विरार और पुणे समेत कई शहरों पर आफत के बादल मंडराने लगे और वहां शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने घंटों तक रुकने का नाम नहीं लिया। ठाणे से आए एक वीडियो में इतनी बारिश दिखी कि सड़कों पर जमा पानी कारों के बोनट तक आ गया। कुछ ऐसा ही हाल राज्य के अलग अलग शहरों का भी दिखा। उधर महाबलेश्वर में तो बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा टूट कर हाईवे पर आ गया, जिसके बाद महाबलेश्वर से पोलादपुर तक जाने वाला हाईवे बंद करना पड़ा। इधर महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। कई जगहों पर बारिश का पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण वहां सड़क किनारे खड़ा एक भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ गया और बीच सड़क पर गिर गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। भारी भरकम पेड़ के उखड़ने से वहां सड़क का कुछ हिस्सा फट गया। ऐसा लगा मानो किसी भूकंप ने वहां जमीन फाड़ दी हो। ठाणे में कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि वहां की सड़कों पर पानी भर गया। भिवंडी इलाके में तो सड़क पर घुटनों से ऊपर तक पानी भरा दिखा। बारिश का पानी कई दुकानों में घुस गया और सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों की कई दुकानें तो पानी में डूबी नजर आईं। मूसलाधार बारिश ने शहर की सूरत बदल कर रख दी। उधर मध्य प्रदेश के सिवनी में लगातार हो रही बारिश की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे उस नदी के बीचों बीच 5 मछुआरे फंस गए, जिनको वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी तलाश शुरू की गई। वैनगंगा नदी के चारों तरफ वो हेलीकॉप्टर मंडराता दिखा और उन मछुआरों की तलाश करता दिखा। बताया गया कि वहां रहने वाले मछुआरे उस नदी में मछली पकड़ने का काम करते हैं। वो रोजाना की तरह नदी से मछली पकड़ने गए थे, लेकिन सिवनी में लगातार हो रही बारिश की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि उस नदी के बीचों बीच 5 मछुआरे फंस गए, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और हेलीकॉप्टर की मदद से उनकी तलाश शुरू की। और सिवनी में सिर्फ मछुआरे ही नहीं फंसे बल्कि लगातार हो रही बारिश से वहां के कई इलाकों के हालात खराब हो गए। वहां की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया तो वहीं गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूबी नजर आईं। और वहां से सामने आई तस्वीरों में चप्पा चप्पा तालाब बना दिखा। सड़कें तो नजर ही नहीं आई, दिखा तो सिर्फ पानी, वो भी इतना कि गाड़ियों की तो सिर्फ छत ही देखने को मिली। सड़कों पर सैलाब बहने लगा। वहां कई इलाकों में पानी इतना भर गया कि दुकानें डूबी हुई नजर आईं। बताया गया कि सिवनी में ये हालात सिर्फ 12 घंटे की बारिश की वजह से बन गए, जबकि मौसम विभाग ने वहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यानी बारिश इसी तरह होती रही तो वहां हालात और बिगड़ सकते हैं।
इस बीच मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 24 घंटे में हुई भीषण बारिश ने कई गांवों को बाढ़ में डुबो दिया। बारिश के बाद नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। बारिश और बाढ़ का पानी गांव की सड़कों, खेतों, लोगों के घरों में भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुसने से कपड़े और अनाज पूरी तरह भीग गए। नरसिंहपुर के कई गांवों में बाढ़ का मटमैला पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। बाढ़ में फंसी एक बुजुर्ग महिला कमर के ऊपर तक भर चुके पानी में सड़क पार करती दिखी। कुछ जगहों पर सड़क पर खड़ी गाड़ियों के टायर पानी में डूबे नजर आए। मौसम विभाग ने बताया कि 24 घंटे में नरसिंहपुर में 8.58 इंच पानी बरस गया, जिससे हालात बिगड़ गए। करेली नरसिंहपुर रेलवे ट्रैक पर मिट्टी में कटाव हो गया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। शेड बेलखेड़ी और झामर में पुलों के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे दोनों तरफ ट्रैफिक जाम लग गया। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट कर दिया। उधर भारी बारिश और आंधी की वजह से बिहार के वैशाली में एक पॉन्टून पुल बह गया, जिसकी वजह से पुल पर सवार लोग घंटों फंसे रहे। बताया गया कि इस पुल को मॉनसून की वजह से 15 जून को ही हटाया जाना था, लेकिन पॉन्टून पुल नहीं हटाया गया और उस पर लोगों की आवाजाही बनी रही। और इस दौरान हुई भारी बारिश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से वैशाली जिले में गंगा नदी पर बनाया गया यह पॉन्टून पुल बह गया। जिस वक्त ये घटना हुई, उस समय भी नदी को पार करने के लिए काफी लोग पुल पर मौजूद थे और पुल बहने की वजह से वो लोग घंटों फंसे रहे। किनारे पर खड़े लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। बताया गया कि मानसून आने के बाद 15 जून को ही इसे पुल निर्माण निगम को हटाना था, लेकिन पुल नहीं हटाया गया, जिसके बाद यह हादसा हो गया। इस बीच भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से असम का बरपेटा जिला बेहाल हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब में जिले के 90 से ज्यादा गांव डूब गए और वहां रहने वाले करीब 70,000 लोग बाढ़ की मार झेलने को मजबूर हो गए, क्योंकि भारी बारिश से बरपेटा जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे उफनती नदियों का पानी तटबंधों को तोड़कर गांवों के अलावा शहरों में घुस गया। बरपेटा जिले के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हर तरफ सैलाब की मार दिखाई दी। गांव के गांव जलमग्न नजर आए। मकानों और स्कूलों में कमर से ऊपर तक पानी भरा दिखा। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग बांस से बनी नाव की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते नजर आए। जिले की ज्यादातर सड़कों पर सैलाब के पानी ने कब्जा जमा लिया, जिससे सैकड़ों गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया। कुछ जगहों पर तो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क के ऊपर से बहती नदी को पार करते भी दिखाई दिए। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नाले में डूबने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि उसके बेटे की तलाश जारी है। एक दिन पहले वो आदमी और उसका बेटा तेज बहाव के बीच उस नाले को पार करते वक्त बह गए, क्योंकि वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से उस नाले का जलस्तर बढ़ गया और वो दोनों उसकी चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के जवान SDRF की टीम के साथ पहुंच गए, जिसके बाद उन लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई घंटों के बाद SDRF की टीम ने नदी किनारे उस आदमी का शव बरामद किया। बाढ़ छोड़ने की वजह से इसमें बाढ़ बड़ी ज्यादा फ्लड आ गया और दोनों बह गए। हालांकि रेस्क्यू टीम को उस आदमी के बेटे का पता नहीं चल सका। इस बीच खबर है कि आसमान से बरस रही आफत अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अगले 3 दिन हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद भारी साबित होंगे। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी, जबकि पहले ही आसमान से बरसी आफत ने हिमाचल प्रदेश का हाल बेहाल कर दिया। मंडी का हाल तो 3 दिन पहले से बेहाल है। शिमला और सोलन में भी सड़कें सैलाब में समा रही हैं, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान यह है कि तबाही का दौर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अगले 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ये हाल अकेले हिमाचल का नहीं होगा, बल्कि उत्तराखंड, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी हो सकता है। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने भी इसका अलर्ट जारी कर दिया। ऑरेंज अलर्ट है, उसमें हैवी वेरी हैवी के लिए रेनफॉल के लिए वो रखा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तो मूसलाधार बारिश के कारण बड़े नुकसान की भी आशंका है। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में हुई तेज बारिश के बाद हालात बदतर हो गए। वहां एक मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति के पैरों तक बारिश का पानी भरा दिखाई दिया। और इस बीच गर्भगृह में पुजारी के साथ वहां दूसरे लोग पूजा करते नजर आए। मध्य प्रदेश के भिंड में लगातार हुई तेज बारिश की वजह से वहां मंदिर में पानी भर गया। बताया गया कि पिछले साल के मुताबिक इस साल मानसून ने वहां वक्त से पहले दस्तक दे दी, जिसके बाद से लगातार बारिश हो रही है, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहीं कोलकाता में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां पिछले कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कों और मकानों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कोलकाता से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें गलियां हो या सड़क, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। नतीजा ये हुआ कि कई जगहों पर ट्रैफिक जाम लग गया। लगातार हो रही भारी बारिश से कोलकाता के कई मकानों में भी पानी घुस गया। इस पानी को जो है वो पार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि कोलकाता में करीब 40 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सबसे ज्यादा बारिश पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में हुई, जहां करीब 214 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण के इलाकों में देखा गया। इधर मुंबई के नजदीक ठाणे के मीरा रोड इलाके में मौजूद एक हाउसिंग सोसाइटी में बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए खरीदे गए बकरे लाने पर बवाल हो गया। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि वहां पुलिस तक बुलानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी वहां जमकर बवाल होता रहा।
क्योंकि वहां रहने वाले दूसरे समुदायों के लोग किसी भी कीमत पर हाउसिंग सोसाइटी से बकरे को बाहर निकालने पर अड़ गए। यह हंगामा तब हुआ जब वहां रहने वाला एक मुस्लिम परिवार बकरीद पर कुर्बानी देने के लिए दो बकरे लेकर हाउसिंग सोसाइटी पहुंचा। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें एक महिला और एक आदमी हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट से दो बकरे अपने फ्लैट में ले जाते दिखे, लेकिन जैसे ही वहां रहने वाले लोगों को इसकी भनक लगी वो भड़क गए। बकरे को बाहर निकालने के लिए उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हालात बिगड़ने पर वहां पुलिस बुलानी पड़ी। इस दौरान कुछ लोग एक दूसरे से बहस करते दिखे, जिन्हें कुछ पुलिस वाले अलग करने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा होता रहा। और ठाणे की उस हाउसिंग सोसाइटी में बकरीद के लिए लाए गए बकरे के विरोध में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के लोगों ने वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहां रहने वाले लोगों ने उस मुस्लिम परिवार पर हाउसिंग सोसाइटी के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया और ये भी आरोप लगाया कि मुस्लिम परिवार ने हाउसिंग सोसाइटी का माहौल खराब करने के लिए कदम उठाया। इसी बात का विरोध जताने के लिए वहां रहने वाले लोग प्रदर्शन करने लगे। थोड़ी ही देर में वहां हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के कुछ लोग भी पहुंच गए, जिन्होंने वहां हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वहां नारे भी लगाए। इस बीच कुछ लोग उस मुस्लिम परिवार के लोगों से बहस करने लगे जो बकरे लेकर हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचे थे। आरोप है कि विरोध कर रहे लोगों ने उस मुस्लिम परिवार की गाड़ी को भी हाउसिंग सोसाइटी में जाने से रोक दिया और उस हाउसिंग सोसाइटी में बकरे लाने पर बवाल करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। बकरे लाने वाले मुस्लिम परिवार के मुताबिक उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी में बकरा रखने के लिए जगह की मांग की थी, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से उन्हें बकरे रखने के लिए कोई जगह नहीं दी गई, जिसके बाद उन्हें मजबूर होकर बकरे को अपने फ्लैट में लाना पड़ा। मुस्लिम परिवार का आरोप है कि जब इस बात की खबर लोगों को लगी तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। दो बंदे आके मेरी वाइफ के ऊपर ये किए, अटैक किए बरोबर। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह से हाउसिंग सोसाइटी से बकरे को बाहर करवाया, जिसके बाद वहां हंगामा शांत हो गया। इस मामले में उस मुस्लिम परिवार की शिकायत पर पुलिस ने बवाल करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पांच लोग हैं और सात आठ लोग। बकरीद से पहले हुए इस बवाल को देखते हुए पुलिस ने वहां भारी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। उधर बेंगलुरु से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक पालतू कुत्ते ने एक मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब एक महिला उस कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर निकली थी, तभी उस कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें वो बच्चा अपने घर के बाहर खेलता नजर आया। इसी दौरान एक महिला अपने कुत्ते को टहलाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, उस कुत्ते ने सड़क पर खेल रहे बच्चे पर हमला कर दिया। हालांकि उस महिला ने उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुत्ता उस बच्चे को नोचता रहा। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। कई लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद एक आदमी ने उस बच्चे को कुत्ते से बचाया। इस घटना में वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर बिहार के गोपालगंज से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक शख्स फायरिंग करता दिखा। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में उसने अपने पिता और भाई पर गोली चला दी। और वहां से सामने आया उस वीडियो में वो शख्स पिस्तौल थामे नजर आया, जिसे वहां मौजूद एक लड़का रोकने की कोशिश करता दिखा और घर से बाहर ले आया। इस दौरान वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता दिखा। फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान मिथिलेश के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक मिथिलेश का अपने भाई से संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और आरोप है कि उसने अपने भाई और पिता पर फायरिंग कर दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उसकी लाइसेंसी पिस्तौल को भी जब्त कर लिया। इस बीच मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्ष आपस में बुरी तरह लड़ते नजर आए। सामने आए वीडियो में दोनों तरफ से डंडे चले, जिसके बाद एक आदमी कुछ लोगों पर डंडे से हमला करने के लिए दौड़ता दिखाई दिया और दूसरे पक्ष के एक शख्स पर ताबड़तोड़ डंडे बरसा दिए। काफी देर तक दोनों के बीच मारपीट होती रही, लेकिन तभी उसके दूसरे साथी भी उसके बचाव के लिए वहां पहुंच गए। इसका कारण बता रहे हैं कि पहले किसी पक्ष ने एक ने रिपोर्ट की थी। दोनों पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए एक लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। और वायरल हुए इस वीडियो में एक लड़का बीच सड़क पर मोटरसाइकिल पर खड़े होकर स्टंट करता नजर आया। ये वीडियो यूपी के बरेली बदायूं हाईवे का बताया गया, जिसमें वो लड़का कभी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठता दिखा तो कभी खड़े होकर सड़क पर रेस लगाता दिखाई दिया और काफी देर तक वहां से गुजरती गाड़ियों के बीच वो खौफनाक स्टंट करता रहा। इस दौरान उसके पीछे चल रही गाड़ियों में लोगों ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लिया और स्टंट करने वाले लड़के की तलाश तेज कर दी। इस बीच दिल्ली में दिन दहाड़े एक डिलीवरी एजेंट से हुई लाखों की लूट का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लुटेरे चांदनी चौक इलाके में उस डिलीवरी एजेंट की रेकी करते दिखाई दी। चार दिन पहले दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में चार नकाबपोश लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। और अब लूट की उस घटना का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ये वीडियो प्रगति मैदान इलाके का नहीं बल्कि चांदनी चौक का बताया गया और उस वीडियो में एक आदमी हेलमेट लेकर डिलीवरी एजेंट के आसपास घूमता और उसकी रेकी करता दिखाई दिया।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वही उस्मान नाम का लुटेरा है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर डिलीवरी एजेंट से लाखों की लूट की थी। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी वीडियो के आधार पर ही आरोपियों की पहचान की गई और इस मामले में 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। लूट की ये घटना 24 जून को हुई थी, जिसमें प्रगति मैदान के टनल में बाइक सवार 4 बदमाशों ने हथियार के दम पर कार में बैठे डिलीवरी एजेंट से पैसों का बैग छीना और फरार हो गए। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की धमकी से घबराए वैगनर ग्रुप के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में बिना खिड़की वाले होटल में ठहरे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले एक साल में पुतिन के कई दुश्मनों की खिड़की से गिरकर संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है। और एक दिन पहले पुतिन ने यह धमकी दी कि वो रूस के खिलाफ विद्रोह करने वालों को सबक सिखाएंगे। माना जा रहा है कि पुतिन की इसी धमकी से डरकर यवगेनी प्रिगोजिन नई तरकीब आजमा रहे हैं। ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि पुतिन की चेतावनी के बाद प्रिगोजिन को अपनी जान का डर सता रहा है, इसीलिए वो बेलारूस की राजधानी मिंस्क में एक ऐसे होटल में ठहरे जिसमें खिड़की नहीं है। क्योंकि पिछले एक साल में पुतिन के कई दुश्मनों की मौत खिड़की से गिरने की वजह से हुई। यही नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी ने भी चेतावनी दी कि वैगनर ग्रुप के चीफ को खिड़की से बचकर रहना चाहिए। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस में जुटे वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से निपटने के लिए नेटो पूरी तरह तैयार है। खबर है कि बगावत के बाद रूस के साथ हुए समझौते के तहत वैगनर ग्रुप के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन अपने लड़ाकों के साथ बेलारूस में मौजूद हैं। और इसी खबर ने बेलारूस के पड़ोसी देशों की धड़कनें बढ़ा दी। नेटो के इन सदस्य देशों को डर है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस के पड़ोसी देश पोलैंड, लिथुएनिया और लातविया वैगनर ग्रुप के निशाने पर आ सकते हैं। इस बीच नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने दावा किया कि उनका सैन्य संगठन किसी भी खतरे से निपट सकता है। खबर है कि इस मुद्दे पर अगले कुछ दिनों में नेटो के सदस्य देशों की लिथुएनिया में एक अहम बैठक भी होगी, जिसमें वैगनर ग्रुप का सामना करने पर रणनीति तैयार हो सकती है। उधर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप के मुखिया के खात्मे की पूरी तैयारी कर ली थी। 5 दिन पहले यवगेनी प्रिगोजिन के आदेश पर ही इस ग्रुप के लड़ाकों ने मॉस्को की तरफ कूच किया था, लेकिन बाद में रूस की सरकार और वैगनर ग्रुप के बीच समझौता हो गया और ये खबर सामने आई कि यवगेनी प्रिगोजिन अपने लड़ाकों को लेकर बेलारूस पहुंच गए। माना जाता है ये डील कराने में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का बड़ा हाथ था। लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दावा है कि पुतिन इतनी आसानी से प्रिगोजिन को माफ करने के मूड में नहीं थे। उनके मुताबिक पुतिन तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने वैगनर ग्रुप के चीफ को मारने की भी तैयारी कर ली थी, जिसके बाद बेलारूस के राष्ट्रपति की सलाह पर पुतिन ने अपना फैसला बदला और फिर प्रिगोजिन को बेलारूस जाने का फरमान सुना दिया गया। और माना जा रहा है कि पुतिन के इसी आदेश के बाद वैगनर ग्रुप के कई लड़ाके बेलारूस चले गए। लेकिन इस बीच ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि बेलारूस न जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर पुतिन कड़ी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले मॉस्को की तरफ बढ़ने वाले लड़ाकों के सामने रूस की सरकार ने समझौते के तहत 2 शर्तें रखी थी, जिनमें पहली शर्त तो ये थी कि मॉस्को की तरफ कूच करने वाले लड़ाके रूसी सेना में शामिल हो जाएं, और दूसरी शर्त के तहत उन्हें इस ग्रुप के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन के साथ बेलारूस जाने का ऑफर दिया था। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके इन दोनों शर्तों को नहीं मानेंगे उन पर पुतिन कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। दावा है कि पुतिन के गुस्से से बचने के लिए इन लड़ाकों का बेलारूस जाना ही सबसे सुरक्षित फैसला होगा। हालांकि पहले ही ये खबर सामने आई थी कि बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके बेलारूस पहुंच चुके हैं और यवगेनी प्रिगोजिन ने भी पुतिन की धमकी से डरकर बेलारूस की राजधानी मिंस्क में शरण ले ली। उधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि पुतिन की सेना के एक जनरल को यवगेनी प्रिगोजिन के पूरे प्लान की जानकारी थी। खबर है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि रूस के इस जनरल ने वैगनर ग्रुप की मदद तो नहीं की, क्योंकि दावा किया गया कि रूसी सेना के जनरल सर्गेई सुरोवकिन वैगनर ग्रुप के प्लान के बारे में पहले से जानते थे। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनरल सर्गेई सुरोवकिन को पता था कि यवगेनी प्रिगोजिन अपने लड़ाकों के साथ मॉस्को कूच करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये बात पुतिन को नहीं बताई। ये भी आरोप लगाया गया कि इस जनरल ने रूस के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की मदद की थी। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक है कि यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर पुतिन का विरोध करने वाले रूसी सेना के कुछ दूसरे अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पहुंचने की खबर से पोलैंड इतना घबरा गया कि उसने नेटो से कार्रवाई की मांग कर दी। पोलैंड पहले से ही रूस के सबसे भरोसेमंद दोस्त बेलारूस से परेशान है, क्योंकि पोलैंड के पड़ोसी देश बेलारूस में रूस की कई खतरनाक मिसाइलें तैनात हैं और उसे डर है कि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं। इस बीच बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पहुंचने से पोलैंड की हालत और खराब हो गई। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड इस बात से खौफ में है कि ये लड़ाके कभी भी उसकी सीमा में घुस सकते हैं, इसी वजह से पोलैंड ने नेटो से कार्रवाई की गुहार लगाई। खबर है कि पोलैंड अपनी सीमा में जल्द से जल्द नेटो की सेना और घातक हथियारों की तैनाती चाहता है ताकि वो किसी भी खतरे का सामना कर सके। और यही वजह है कि वैगनर ग्रुप से खतरे के बीच अमेरिका ने पोलैंड को M1A1 एब्रम्स टैंक्स की टैंकों की बड़ी खेप सौंप दी। इन टैंकों के अलावा कई दूसरे घातक हथियारों के लिए पोलैंड ने अमेरिका के साथ बड़ी डील की थी।
और इसी सौदे के तहत अमेरिका ने M1A1 एब्रम्स टैंक की पहली खेप पोलैंड भिजवा दी। खबर है कि अमेरिका इस घातक टैंक की दूसरी खेप भी इसी साल पोलैंड भिजवाएगा। दावा है कि इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है और इन टैंकों को चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए पोलैंड के सैनिक पिछले साल ही अमेरिका गए थे। दोनों देशों के बीच इन टैंकों के अलावा कई दूसरे हथियारों के लिए 150 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 12,000 करोड़ की डील हुई थी। खबर है कि अमेरिका मदद के तौर पर पोलैंड को अलग से 1600 करोड़ के हथियार भी देगा, क्योंकि पोलैंड अपने ज्यादातर हथियार जेलेंस्की की सेना को दे चुका है। ऐसे में उसकी सुरक्षा खतरे में ना पड़े, इसलिए अमेरिका उसकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। उधर सऊदी अरब के मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना ने सीरिया में बने वैगनर ग्रुप के ठिकानों पर छापा मारा और उसके कई लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया। ये दावा ऐसे वक्त पर किया गया जब 4 दिन पहले वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था और पुतिन की परेशानी बढ़ा दी थी। हालांकि बगावत के दूसरे ही दिन वैगनर ग्रुप ने अपने पैर पीछे खींच लिए, लेकिन दावा किया गया कि पुतिन इस बगावत का बदला वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन से लेकर रहेंगे। इस बीच सऊदी अरब के मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के साथ अस्सुवेदा और हमा शहरों में बने वैगनर ग्रुप के ठिकानों पर छापा मारा और वहां से उसके कई लड़ाकों को गिरफ्तार कर दिया। लेकिन वैगनर ग्रुप ने एक बयान जारी कर उसके लड़ाकों की गिरफ्तारी से जुड़ी इस खबर को खारिज कर दिया। हालांकि सीरिया में बने उसके ठिकानों पर रूस की सेना की छापेमारी के दावे पर उसने चुप्पी साध ली। इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वहां के लोगों का गुस्सा पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर फूट पड़ा। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ घुसपैठियों को ट्रेनिंग देकर कश्मीर की तरफ भेजा, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन आरोप है कि जैसे ही वो वापस पाकिस्तान के इलाके में पहुंचे, पाकिस्तानी सेना ने उन पर गोलियां चला दी। पाकिस्तान सेना की इस कार्रवाई में 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे वहां विद्रोह बढ़ गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ के लिए जो साजिश रची वो बुरी तरह फेल हो गई, जिसके बाद उसने इसका इल्जाम भारतीय सेना पर लगाने की कोशिश भी की। हालांकि POK में हुई इस कार्रवाई के बाद वहां के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में युवाओं को अगवा कर आतंकी बनाने में जुटी है। खबर है कि POK में पिछले 2 महीनों में 150 से ज्यादा नौजवान लापता हो गए और आरोप है कि उन्हें ISI ने अगवा करवाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उन नौजवानों को अगवा कर आतंकी बनाया जा रहा है, जिसका मतलब कि ISI बड़े पैमाने पर आतंकियों को ट्रेनिंग देकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा लड़के POK के मुजफ्फराबाद, बालाकोट और रावलाकोट से लापता हुए। उनके अलावा वहाँ के मदरसों से भी बड़ी तादाद में बच्चों के लापता होने की खबर है। वहाँ रहने वाले लोगों ने ये धमकी दी कि अगर ISI और पाकिस्तान की सेना ने ये हरकत बंद नहीं की तो वो जोरदार प्रदर्शन करेंगे। इस बीच पाकिस्तान के पंजाब में पुलिस ने बकरीद पर अहमदिया मुसलमानों के कुर्बानी देने पर ही रोक लगा दी। पाकिस्तान में 40 लाख से ज्यादा अहमदिया मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, मगर पाकिस्तान उन्हें मुसलमान ही नहीं मानता और वहां के पंजाब प्रांत में अहमदिया मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। इसलिए वहां की हाफिजाबाद पुलिस ने आदेश जारी कर दिया कि कोई भी अहमदिया मुसलमान जानवरों की कुर्बानी नहीं देगा। मतलब पाकिस्तान ने अहमदिया मुस्लिमों से बकरीद मनाने का हक ही छीन लिया। ना ही ये अपनी इमारतों के अंदर या बाहर जानवरों की कुर्बानी करेंगे। पंजाब प्रांत की हाफिजाबाद पुलिस ने ये धमकी भी दी कि अगर किसी भी अहमदिया मुस्लिम ने बकरीद मनाई तो उसे 3 साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस फरमान के पीछे वजह यह बताई गई कि अहमदिया मुसलमानों के जानवरों की कुर्बानी देने से पाकिस्तान के बाकी मुसलमानों को एतराज होता है। यही वजह है कि वहां की सरकार और फौज नहीं चाहते कि अहमदिया मुसलमानों का मुद्दा तूल पकड़े और पाकिस्तान के बाकी मुसलमान नाराज होकर सरकार और फौज के खिलाफ जाएं। उधर कंगारी की कगार पर खड़े पाकिस्तान को भारत से हमले का डर सताने लगा। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को ये खौफ सताने लगा कि भारत उनके देश का नाम भी नामोनिशान मिटा देगा, क्योंकि कुछ दिन पहले अमेरिका के दौरे पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पाकिस्तान पर आतंकियों को पालने पोसने का आरोप लगाया तो अमेरिका ने भी उनका समर्थन किया, जिसके बाद इमरान खान ने पाकिस्तान की सरकार को ये चेतावनी दी कि उसे भारत और अमेरिका के अच्छे रिश्तों से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा और उसकी मौजूदा आर्थिक हालत ऐसी है कि अगर जंग छिड़ी तो पाकिस्तान 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने देश पर हमले की चिंता सताने लगी। इधर उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के एक नेता के घर पर हमला हो गया। बताया गया कि हमलावरों ने उनके परिवार पर धारदार हथियार से वार किया, जिसमें उनकी भतीजी को गंभीर चोटें आईं। उन हमलावरों को घर में घुसते हुए एक CCTV वीडियो भी सामने आया।
जिसमें एक नकाबपोश बदमाश दीवार को फांदता दिखाई दिया। इस दौरान उसके हाथ में धारदार हथियार भी दिखा। ये सीसीटीवी वीडियो मुंबई के मगाठाणा इलाके में रहने वाले उद्धव ठाकरे गुट के नेता भास्कर कुरसंगे के घर का बताया गया। आरोप है कि देर रात घुसे बदमाशों ने परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें भास्कर कुरसंगे की भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुट गई। उधर जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया गया कि यूनिवर्सिटी में नए कुलपति की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर बैठक चल रही थी। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठनों के कई कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करने पहुंच गए, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बेहतर सुविधा के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र कुलपति के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन वहां बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मी उन पर डंडे बरसाते नजर आए। इस बीच प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने वहां लगे बैरिकेड को तोड़ दिया और कुलपति के दफ्तर की ओर दौड़ने लगे, जिसके बाद पुलिस भी उनके पीछे भागी और पुलिस वालों ने उन पर डंडे बरसा दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से गुस्साए छात्र पुलिस की वैन के आगे लेट गए। पुलिस से हुई इस झड़प में कई छात्र घायल हो गए, जिससे नाराज एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों ने वहां धरना दिया। उधर एक नाबालिग की पुलिस की गोली से मौत के बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस सुलग उठी। पुलिस ने 17 साल के उस लड़के की कार चेकिंग के लिए रोकी थी, लेकिन उसने कार भगा दी, इसलिए पुलिस ने उस पर फायरिंग कर दी। फ्रांस में चेकिंग के दौरान पुलिस के गोली मारने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। ऊपर से बताया गया कि मरने वाला नाबालिग अल्जीरियाई मूल का था, इसलिए जैसे ही लोगों को ये बात पता चली उन्होंने पूरे शहर में कोहराम मचा दिया और पुलिस पर पटाखे लेकर टूट पड़े। इसके बाद तो पेरिस में बीच सड़क पर धड़ाधड़ पटाखे ही पटाखे फटते दिखे। फिर पुलिस भी एक्शन में आ गई, वो प्रदर्शनकारियों के पीछे भागती नजर आई, मगर आग बबूला लोगों ने पटाखे अपने ऐसे हथियार बनाए कि पुलिस को अपनी गाड़ियों के पीछे पनाह लेनी पड़ी और कुछ देर बाद तो पुलिस वाले गाड़ी में बैठकर निकलते नजर आए। वो वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पूरा पेरिस हिंसा की आग में धधक उठा। उस वीडियो में दो पुलिस वाले कार को रोककर उस नाबालिग से बात करते नजर आए। एक पुलिस वाला पिस्तौल ताने हुए भी दिखा, तभी लड़के ने गाड़ी भगा दी और पुलिस वाले ने गोली चला दी। बताया गया कि गोली लगने से 17 साल के लड़के की सड़क पर ही मौत हो गई। इधर भीषण जंग के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के शहर क्रमतोस्क पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वहां 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 56 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक इमारत पूरी तरह तबाह नजर आई और वहां रखा सामान मलबे में तब्दील हो गया। रूस की फौज ने यूक्रेन के क्रमतोस्क में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिसके बाद वहां लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। बताया गया कि रूस ने क्रमतोस्क शहर के एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया, जहां बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी करने पहुंचे थे, जिसमें वहां एक रेस्टोरेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिससे उस रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई और भीषण हमले में एक बच्चे समेत 8 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 56 लोग बुरी तरह घायल हो गए। और इस बीच यूक्रेन के क्रमतोस्क में हुए ताबड़तोड़ हमले के बाद SBU यानी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने रूस के एक जासूस को पकड़ लिया। आरोप है कि उस जासूस ने भीषण हमले में रूस का साथ दिया, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। और ये भी आरोप है कि पकड़ा गया वो जासूस रूस की सेना की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था, जिसने यूक्रेन के क्रमतोस्क शहर में हमले से पहले जासूसी की और वहां की जानकारी रूस तक पहुंचाई। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने आरोप लगाया कि उस जासूस ने क्रमतोस्क के उस रेस्टोरेंट का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रूस की सेना को भेजा, जिसमें रूस के सैनिकों ने मिसाइलें दागी। बताया गया कि उस जासूस ने वहां बड़े पैमाने पर लोगों के मौजूद होने की भी जानकारी दी, जिसके बाद रूस ने हमला कर दिया। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में रूस ने अपने सस्ते ड्रोन के जरिए यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाई। जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को तबाह करने में उनका इस्तेमाल किया। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस अपने इस पैंतरे में पूरी तरह कामयाब हो गया। बताया गया कि रूस ने अपने सस्ते लैंसेट ड्रोन के जरिए यूक्रेन को मिले अमेरिकी डिफेंस सिस्टमों को निशाना बनाया और कम कीमत के अपने लैंसेट ड्रोन को सीधे डिफेंस सिस्टमों पर ही जाकर तबाह कर दिया। मतलब रूस ने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी, क्योंकि उसे अपने लैंसेट ड्रोन के तबाह होने पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर उसके मुकाबले यूक्रेन को डिफेंस सिस्टमों के खराब होने से तगड़ी चपत लग गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का मन बना लिया। दावा है कि उन्होंने अपनी सेना के अधिकारियों को परमाणु मिसाइलों को चलाने की तकनीक तैयार करने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि लुकाशेंको कभी भी परमाणु हमले का बटन दबा सकते हैं। मतलब रूस ने जिन परमाणु हथियारों को बेलारूस में तैनात किया उन्हें दागने के लिए पुतिन को बेलारूस पहुंचने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। और माना जा रहा है कि उनके आदेश पर ये काम उनके सबसे अच्छे दोस्त लुकाशेंको करेंगे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि लुकाशेंको ने अपनी सेना को परमाणु मिसाइल दागने के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए, ताकि जरूरत पड़ने पर यूक्रेन पर जोरदार हमला किया जा सके।
वहीं रूस के मीडिया ने दावा किया कि 5 दिन पहले वैगनर ग्रुप के विद्रोह के दौरान बेलारूस की सेना ने जंग में उतरने की पूरी तैयारी कर ली थी। रूस के एक अखबार ने दावा किया कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने तो अपनी सेना को युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए आदेश तक जारी कर दिए, जिसका मतलब यह कि अगर वैगनर ग्रुप ने मॉस्को पर हमले किए होते तो रूस की तरफ से बेलारूस के सैनिक जंग में उतर जाते। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वैगनर ग्रुप के विद्रोह को दुखद घटना बताते हुए इसे गलत परंपरा की शुरुआत बता दिया। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे वफादार माने जाते हैं और यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने रूस की खुलकर मदद की। यहां तक कि 3 दिन पहले वैगनर ग्रुप के विद्रोह को खत्म कराने में भी उनकी अहम भूमिका रही। दावा किया गया कि लुकाशेंको ने ही रूस की सरकार और वैगनर ग्रुप के बीच समझौता करवाया। इस बीच पुतिन के साथ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि उसके कब्जा किए गए बखमूत के एक डैम को यूक्रेन की सेना ने वापस छीन लिया। पिछले करीब 10 महीनों से बखमूत पर कब्जे के लिए जंग चल रही है, जिसमें वैगनर ग्रुप ने भी रूसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की थी और दावा किया था कि उनका कब्जा बखमूत पर हो गया है। लेकिन बाद में रूस के रक्षा मंत्री से नाराज होकर वैगनर ग्रुप के प्रमुख यवगेनी प्रिगोजिन बखमूत की जंग छोड़कर चले गए। इसके बाद उन्होंने कई बार यह दावा किया कि रूसी सेना के हाथों से बखमूत के जीते गए हिस्से निकल रहे हैं और अब एक बार फिर वैगनर ग्रुप ने ऐसी ही बात कही, जिसके मुताबिक बखमूत के दक्षिण पश्चिम में बने कुर्दियुमोस्की बांध पर वैगनर के लड़ाकों का कब्जा हो गया था। लेकिन वहां से आए एक वीडियो में यूक्रेन का एक सैनिक बांध पर अपने देश का झंडा लगाते नजर आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद ही वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि कुर्दियुमोस्की बांध रूसी सेना के हाथ से निकल गया। इधर पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि माफिया सरगना अतीक अहमद का परिवार दिल्ली में छिपकर बैठा है। 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से फरार चल रहे अतीक के परिवार के कई सदस्यों की तलाश UPSTF कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक की बहन आयशा और उसके भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा दिल्ली में मौजूद है और अशरफ का साला सद्दाम भी दुबई से दिल्ली पहुंच चुका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आयशा नूरी, जैनब फातिमा और सद्दाम के दिल्ली में होने के सुराग UPSTF के हाथ लगे थे, जिसके बाद दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर तीनों की तलाश में दबिश दी गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। असल में अतीक की बहन आयशा नूरी ने अतीक और अशरफ की हत्या और अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और मामले में जांच के लिए पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाने की मांग की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक UPSTF के अफसरों का मानना है कि आयशा नूरी दिल्ली में ही है, तभी उसने वकीलों से संपर्क करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उधर मुंबई में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क पर चल रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि गाड़ी की चपेट में आने से एक स्कूटर पर सवार लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद कार चला रहा आरोपी वहां से भाग गया। हालांकि पुलिस ने बाद में अमरेश यादव नाम के आरोपी को पकड़ लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया। पुलिस ने बताया कि तुकाराम सावंत नाम के बुजुर्ग सड़क पर जा रहे थे, तभी अमरेश यादव ने अपनी गाड़ी से उन्हें टक्कर मारी। इसके बाद गाड़ी ने वहां से गुजर रहे स्कूटर सवार को भी टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटर सवार युवक बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के झांसी में डिवाइडर से टकराने के बाद एक कार में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, क्योंकि टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद उस कार में भीषण आग लग गई और उससे काले धुएं का गुबार उठने लगा। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कई लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद उस कार में सवार लोगों को बाहर निकाला गया। कार में 3 लोग सवार थे जो बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि गनीमत यह रही कि कार डिवाइडर को तोड़कर नदी में नहीं गिरी, वरना उन लोगों की जान भी जा सकती थी। वहीं शेयर बाजार रिकॉर्ड बढ़त के साथ खुले और दिन भर मुनाफे के साथ कारोबार करते रहे। कारोबार के दौरान तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,000 के स्तर को भी पार कर गया। हालांकि बाद में वो ऊंचाई बरकरार नहीं रह पाई। निफ्टी 154 अंक चढ़कर 18,972 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स करीब 500 अंक चढ़कर 63,915 पर बंद हुआ। बाजार की इस तेजी की वजह से एक ही दिन में BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,00,000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गया। इस दौरान लगभग सभी सेक्टर मुनाफे में रहे। इधर बिहार के मुंगेर में पुलिस ने आम की पेटी में रखकर शराब की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस के मुताबिक वो तस्कर आम की पेटियों में शराब छिपाकर मुंगेर ले जा रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब जब्त की। राज्य में शराबबंदी लागू होने की वजह से पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपियों ने आम की पेटियों में शराब की बोतलें छिपाकर रखी थी। पुलिस ने उस पिकअप वैन से करीब 520 लीटर शराब बरामद की। उस गाड़ी पे जो नंबर प्लेट लगा हुआ है वो वेस्ट बंगाल का है, वो एक नकली नंबर प्लेट यूज कर रहे थे। हालांकि शराब की तस्करी करने वाले आरोपी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश तेज कर दी। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस को सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई के नेताओं ने काले झंडे दिखाए। राज्यपाल बंगाल के उत्तरी जिलों के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक की अध्यक्षता के लिए नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी पहुंचे थे।
इस दौरान बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई टीएमसी छात्र परिषद के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जैसे ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस का काफिला नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो छात्र नेताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और वापस जाओ के नारे लगाए। वहीं राज्यपाल ने छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन को लोकतंत्र का हिस्सा बताया। राज्यपाल बंगाल के उत्तरी जिलों के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चार दिन की यात्रा पर सिलीगुड़ी पहुंचे थे। इस बीच उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दो बदमाश पकड़े गए जिन पर पशु तस्करी का आरोप है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी जानवरों की चोरी के लिए रेकी कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने दोनों पशु तस्करों की फिरोजाबाद के नगला खंगाल इलाके में घेराबंदी कर दी। आरोप है कि खुद को पुलिस से घिरा देख उन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए बदमाश आशीष और अखिलेश पर एक दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। उधर फिल्म 72 हूरों के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर विवाद हो गया। वैसे इस फिल्म का ट्रेलर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर दो बार नेशनल अवार्ड जीतने वाले संजय पूरन सिंह चौहान है और ये फिल्म 7 जुलाई को रिलीज होने वाली है। लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसके ट्रेलर पर विवाद हो गया क्योंकि 72 हूरें फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिला जिस पर फिल्म के निर्माता भड़क गए। कौन है ये लोग सेंसर बोर्ड में सीबीएसई में बैठने वाले जो डिसाइड करते हैं ये ट्रेलर रिजेक्ट किया। इस बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो गया। फिल्म के निर्माताओं ने जानकारी दी कि सेंसर बोर्ड ने उनसे ट्रेलर में 2 कट लगाने को कहा था। इस बीच न्यूज एजेंसी एनआईए के हवाले से खबर है कि लोगों को जानबूझकर संक्रमित करने के लिए कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब में ही बनाया गया। एनआईए ने यह खबर वुहान लैब में ही रिसर्च करने वाले चाओशाओ नाम के एक शोधकर्ता के हवाले से दी जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि कोरोना वायरस को वुहान लैब में ही बनाया गया था ताकि उसका इस्तेमाल करके लोगों को संक्रमित किया जा सके। न्यूज एजेंसी एनआईए के मुताबिक चाओशाओ ने इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि चीन ने जानबूझकर कोविड-19 जैसा जैविक हथियार बनाया। वुहान लैब में काम करने वाले शोधकर्ता चाओशाओ ने यह भी आरोप लगाया कि इसके बाद 2019 में उन वायरस की जांच करने वाले उसके कई साथी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उधर श्रीलंका ने दावा किया कि वो भारत के खिलाफ अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। ये दावा श्रीलंका के राष्ट्रपति ने फ्रांस के दौरे के वक्त वहां के एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में दिया जिसने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया क्योंकि वो श्रीलंका के हम्बनडोटा बंदरगाह के जरिए भारत की जासूसी का प्लान बनाता रहा है जिसे श्रीलंका ने चीन से मिले भारी भरकम कर्ज के बदले साल 2017 में 99 साल की लीज पर उसे दिया था। लेकिन अब श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने साफ कर दिया कि वो अपने देश के किसी भी मिलिट्री बेस का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि श्रीलंका का चीन से कोई सैन्य समझौता नहीं हुआ है और ना ही होगा क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया था कि श्रीलंका ने चीन को अपने यहां रडार स्टेशन लगाने की अनुमति दे दी जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। इधर पंजाब के तरन तारण जिले में बॉर्डर के पास बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान का एक ड्रोन बरामद किया। बताया गया पाकिस्तान की तरफ से आ रहे उस ड्रोन की आवाज आने पर एक्शन लेते हुए जवानों ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन पर फायरिंग करने के बाद पंजाब पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने मिलकर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान जवानों को मेहंदीपुर के पास एक खेत से ड्रोन बरामद हुआ जो गोली लगने से टूट कर बिखर गया था। सुरक्षा बल के मुताबिक पंजाब के तरन तारण में सीमा पर मौजूद मेहंदीपुर गांव के पास जवान गश्त कर रहे थे उसी दौरान जवानों ने पाकिस्तान की ओर से घुसे ड्रोन की आवाज सुनी जिसके बाद उस पर तुरंत फायरिंग शुरू की गई और जवानों की इस कार्रवाई में पाकिस्तान का वो ड्रोन धराशायी हो गया जिसके बाद उस ड्रोन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 लड़की घायल हो गई। पुलिस के मुताबिक सभी लोग एक शादी में शामिल होकर लौट रहे थे तभी अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो गहरी खाई में जा गिरी जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। इस दौरान सड़क से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस के मुताबिक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 लड़की घायल हो गई। बताया गया कि वो गाड़ी वहां गहरी खाई में गिर गई और उसका रेस्क्यू करने में काफी परेशानी हुई। हालांकि हादसे में घायल हुई उस लड़की को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस बीच दिल्ली के हर्ष विहार इलाके से लूट का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने सरेआम हथियार दिखाकर एक दुकानदार से लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई जिसमें सड़क के एक तरफ वो बुजुर्ग दुकानदार अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे नजर आए। तभी 2 बदमाश तेजी से वहां पहुंचे और उन्होंने बुजुर्ग पर पिस्तौल तान दी और उसके बाद उन्होंने बुजुर्ग के हाथ से बैग छीनना शुरू कर दिया जिसे रोकने की कोशिश में बुजुर्ग दुकानदार सड़क पर गिर गए और वो दोनों बदमाश बैग लेकर सड़क के दूसरी तरफ भागे। लेकिन तभी उनके सामने एक तेज रफ्तार ऑटो आ गया। इसके बाद जो हुआ
ब्रेक के बाद। अगले 5 दिन के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब मुंबई पर आसमान से बूंदों की शक्ल में आफत बरस सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मुंबई में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि कुछ घंटों की बारिश से मुंबई के कई इलाकों के हालात बिगड़ने शुरू हो गए। निचले इलाकों में तो पानी भी भरने लगा। यही नहीं, तेज बारिश की वजह से मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई किलोमीटर का जाम लग गया। मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। इसी तरह भांडुप इलाके में भी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और वहां जैम जैसे हालात बन गए। और अब मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। और लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में पानी भरने से कई सड़कें और रास्ते बंद हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी शहर के अंधेरी इलाके में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद सबवे कुछ ही घंटों की बारिश के बाद भर गया। वहां किसी तरह का कोई हादसा न हो इसे देखते हुए फौरन बैरिकेड लगाकर सबवे से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा पंप से पानी निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद है और अंधेरी का सबवे जो है वो पूरी तरीके से भर गया है। अकेले अंधेरी ही नहीं बल्कि मुंबई के कई दूसरे इलाकों में भी पानी भरने से सड़कें बंद हो गई। मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाले हाईवे पर भी पानी भर गया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। वहीं महाराष्ट्र के नवी मुंबई में भारी बारिश की वजह से एक हाउसिंग सोसाइटी की दीवार गिर गई, जिसकी वजह से वहां कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। लेकिन भारी बारिश की वजह से दीवार गिरने की इस घटना ने हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों को खौफ से भर दिया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के एक इलाके में दीवार गिरने के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में दीवार के मलबे के नीचे कई महंगी और लग्जरी गाड़ियां दबी नजर आई। कुछ गाड़ियां तो दीवार के मलबे में दबकर बुरी तरह पिचक गईं, जबकि दूसरी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। गरिमत यह रही कि दीवार गिरने के वक्त वहां कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इसी तरह मुंबई के विक्रोली इलाके में भी तेज बारिश से एक चौल के ऊपर दीवार भरभरा कर गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच मुंबई के बोरीवली इलाके में बारिश की वजह से कई फीट तक पानी भर गया, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां सड़क पूरी तरह पानी से लबालब भरी नजर आई, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। और ऐसा लगा मानो पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया हो। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसमें कई लोग फंस गए। वहीं सड़क पर कई फीट तक पानी भर जाने की वजह से गाड़ियां भी फंस गईं, जिनको धक्का देकर पानी से बाहर निकालने की कोशिश की गई। वहीं पानी के बीचों बीच कई स्कूटर भी बंद हो गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जल भराव की सूचना मिलते ही मुंबई के नगर निगम यानी BMC के कर्मचारी वहां पहुंचे और मैनहोल को खोलकर पानी को सड़क से निकालने में जुट गए। इधर महाराष्ट्र के गोंदिया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक लड़का अपनी साइकिल के साथ पानी की तेज लहरों में बह गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों से अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से गोंदिया के एक इलाके में एक लड़का अपनी साइकिल समेत नदी में बह गया। सामने आए वीडियो में एक लड़का साइकिल से पुल पार करने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन उफान के आगे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो साइकिल समेत नदी के किनारे जा पहुंचा। हालांकि उस लड़के ने खुद को पानी के बहाव से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन लहरों के सामने उसकी एक न चली और वो अपनी साइकिल के साथ बह गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद उस लड़के को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के बाद एक पुलिस थाना तालाब में बदल गया। कुछ ही घंटों में वहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि थाने के अंदर पानी भर गया और पुलिस वाले घुटनों तक भरे पानी के बीच काम करते दिखे। मूसलाधार बारिश के बाद मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के कोने कोने में पानी भर गया। ऐसा लगा जैसे पूरा थाना तालाब बन गया हो। अधिकारियों के केबिन, फरियादियों के बैठने की जगह और कैदियों को रखने वाली जेल के अंदर पानी भर गया। बारिश के बाद थाने के आसपास की सड़कों पर भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। उधर खबर है कि अगले 5 दिनों तक केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात और गोवा में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और अगले 5 दिनों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। और इन राज्यों के कई इलाके ऐसे होंगे जहां बेहद भारी बारिश हो सकती है। इस आफत की सबसे ज्यादा संभावना कोंकण और गोवा, गुजरात और अरब सागर से लगने वाले महाराष्ट्र के हिस्सों में होने की है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जो पहले से ही बारिश के कारण बेहाल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के तो कई बांध भी ऐसे हैं जो लबालब भरे हैं और उन्हें जल्द ही खोलना पड़ेगा। नदियों में बढ़ रहा पानी का स्तर और सड़कों पर जमा हो रहा सैलाब आफत की बड़ी वजह बन चुका है। ऐसे में अगले 5 दिन तक अगर बरसात हुई तो केवल मुसीबत की नहीं बल्कि तबाही की वजह हो सकती है। इस बीच महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बारिश ने वहां के कई शहरों की मुश्किलें बढ़ा दी। महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहां के कई शहरों में तो तेज बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। यही वजह है कि मुंबई और पुणे समेत राज्य के कई शहरों पर आफत आ गई। वहां मूसलाधार बारिश की सबसे ज्यादा मार ठाणे पर पड़ी।
और वहां तो ऐसी बारिश हुई कि कई इलाके तालाब में बदल गए। परेशानी तब और बढ़ गई जब मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद राज्य के मुंबई, ठाणे, विरार और पुणे समेत कई शहरों पर आफत के बादल मंडराने लगे और वहां शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने घंटों तक रुकने का नाम नहीं लिया। ठाणे से आए एक वीडियो में इतनी बारिश दिखी कि सड़कों पर जमा पानी कारों के बोनट तक आ गया। कुछ ऐसा ही हाल राज्य के अलग अलग शहरों का भी दिखा। उधर महाबलेश्वर में तो बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा टूट कर हाईवे पर आ गया, जिसके बाद महाबलेश्वर से पोलादपुर तक जाने वाला हाईवे बंद करना पड़ा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर प्रभु है हमले से जुड़ी। इस हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार सवार कुछ हमलावर चंद्रशेखर पर गोली चलाते दिखे। हालांकि गोली चलाने के बाद सभी हमलावर फरार हो गए। वहीं इस हमले में चंद्रशेखर बाल बाल बच गए। गोली सिर्फ उन्हें छूकर निकल गई, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। और चंद्रशेखर पर यह हमला तब हुआ जब वो सहारनपुर के देवबंद इलाके में मौजूद थे। उसी वक्त उन पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इस हमले में चंद्रशेखर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। ये घटना तब हुई जब चंद्रशेखर दिल्ली से अपने घर सहारनपुर के छुटमलपुर कस्बे जा रहे थे। आरोप है कि तभी हरियाणा नंबर की एक कार से आए हमलावरों ने उन पर एक के बाद एक चार गोलियां दाग दी। इस हमले में कार के शीशे टूट गए और एक गोली उनके पेट को छूती हुई निकल गई। मुझे तो सही तरह याद नहीं है, हमारे साथियों ने पहचाना। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर हुए इस हमले के बाद वहां हड़कंप मच गया। फौरन इलाज के लिए उन्हें देवबंद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, बाद में उन्हें सहारनपुर रेफर कर दिया गया। गोली पेट को छूकर निकली है और जो मजरूब है उनकी स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर हैं। वहीं इस घटना के बाद पुलिस इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश में जुट गई। उधर बड़ी खबर आ रही है, जम्मू से लेकर गुजरात तक मानसून ने बहुत तगड़ा धावा बोल दिया है। जम्मू के कई इलाकों में तो बाढ़ का अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के लिए अगले 5 दिन बहुत ज्यादा भारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन तीनों राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। गुजरात के लिए तो उल्टी गिनती शुरू भी हो चुकी है। वहां आने वाले 24 घंटे संकट से भरे हुए हैं। वहां भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बल्कि गुजरात में मानसून ने अपना रंग दिखाना भी शुरू कर दिया। वहां के सूरत में इतनी बारिश हुई कि लोग बेहाल हो गए। सुबह से ही ऐसी बरसात शुरू हुई कि फिर उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि जगह जगह पानी भर गया और ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। क्योंकि सामने आई एक तस्वीर में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूरोप के देश हॉलैंड ने दावा किया कि ईरान बहुत जल्द अपने परमाणु बम का पहला टेस्ट कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉलैंड की इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान बहुत ज्यादा तेजी से अपने परमाणु प्रोग्राम पर आगे बढ़ रहा है और वो न्यूक्लियर बम बनाने ही वाला है। अकेले हॉलैंड का ये दावा नहीं है, जर्मनी और स्वीडन ने भी अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी कि ईरान परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और बिल्कुल मुमकिन है कि ईरान जल्द ही अपने बनाए परमाणु बम का परीक्षण कर डाले। ये दावा बहुत बड़ा है। पश्चिमी देश 20 साल से ज्यादा वक्त से आरोप लगा रहे हैं कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बनाने में लगा है। इसराइल भी आए दिन कह रहा है कि बहुत जल्द ईरान का परमाणु बम तैयार हो जाएगा, मगर ईरान इन आरोपों को नकारता रहा है। लेकिन जर्मनी, हॉलैंड और स्वीडन जैसे यूरोप के देशों की इंटेलिजेंस ने दावा किया कि ईरान उस रफ्तार से परमाणु हथियार बनाने में लगा है जिसका अंदाजा किसी को नहीं। बरसों की कोशिश के बाद वो न्यूक्लियर बम बनाने से बस चंद कदम ही दूर है। हॉलैंड ने तो साफ साफ कह दिया कि जिस स्पीड से ईरान का परमाणु प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है उससे वो बहुत जल्द अपने पहले परमाणु बम का टेस्ट भी कर सकता है, मगर ईरान का कहना है कि वो कोई बम बना ही नहीं रहा। और तो और वो परमाणु डील बहाल करने के लिए अमेरिका को तेवर दिखाने में भी लगा है। अब ईरान ने कैदियों की रिहाई की बात छेड़कर एक बार फिर अमेरिका को धमकी दे डाली। ईरान और अमेरिका के बीच 2018 में टूटी परमाणु संधि बहाल करने के लिए बातचीत चल रही है, मगर इस बार ईरान ने सरेआम अमेरिका से मांग कर डाली कि अगर डील पर बात आगे बढ़ानी है तो अमेरिका ईरान के उन नागरिकों को रिहा कर दे जिन्हें उसने नाजायज तरीके से कैदी बनाकर रखा हुआ है। मतलब ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को आंखें दिखा दी। परमाणु डील के लिए ईरान और अमेरिका एक दूसरे के यहाँ कैद अपने अपने नागरिकों को छुड़वाने के लिए भी बात कर रहे हैं। इसी पर ईरान ने दावा किया कि बातचीत में इस मुद्दे पर बात बन चुकी है, लेकिन अमेरिका एक्शन लेने को तैयार ही नहीं। 2015 में अमेरिका और उसके साथी देशों ने ईरान के साथ परमाणु डील की थी ताकि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका जा सके। ईरान को भी डील से राहत मिली थी क्योंकि पश्चिमी देशों ने उस पर लगाए प्रतिबंध हटा लिए थे, मगर ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए वो डील तोड़ दी थी। अब उस डील को बहाल करवाने के लिए ईरान अमेरिका को तेवर दिखाने में लगा है। उधर इसराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ईरान से मिलने वाली फंडिंग के बूते ताकतवर हो रहा है। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद वही चरमपंथी संगठन है जिसने पिछले महीने इसराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट बरसाकर उससे जंग छेड़ दी थी। और अब PIJ इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इतनी रफ्तार से पैर पसार रहा है कि उसके लड़ाके इसराइल का बहुत बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। खासतौर पर उत्तरी वेस्ट बैंक में तो वो अपने कई सेल बना चुका है
और दर्जनों लड़ाकों को भी भर्ती कर चुका है। बताया गया कि पीआईजे ये सब इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके सिर पर ईरान का हाथ है। फिलिस्तीन के एक सूत्र ने जेरूसलम पोस्ट को बताया कि ईरान से मिलने वाले पैसों से ही पीआईजे महंगे हथियार खरीदता है और अपने सदस्यों को मोटी सैलरी दे रहा है। यही वजह है कि वेस्ट बैंक में उसका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। इधर दिल्ली के हर्ष विहार इलाके से लूट का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने सरेआम हथियार दिखाकर एक दुकानदार से लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें सड़क के एक तरफ वो बुजुर्ग दुकानदार अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे नजर आए। तभी दो बदमाश तेजी से वहां पहुंचे और उन्होंने बुजुर्ग पर पिस्तौल तान दी और उसके बाद उन्होंने बुजुर्ग के हाथ से बैग छीनना शुरू कर दिया, जिसे रोकने की कोशिश में बुजुर्ग दुकानदार सड़क पर गिर गए और वो दोनों बदमाश बैग लेकर सड़क के दूसरी तरफ भागे। लेकिन तभी उनके सामने एक तेज रफ्तार ऑटो आ गया, लेकिन लूट को अंजाम देने वाले दोनों बदमाश उस ऑटो से बचते हुए सड़क पार कर गए और फिर वो दोनों सड़क के दूसरी तरफ खड़े अपने तीसरे साथी के साथ एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। इस बीच दिल्ली में बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन की गारंटी देने के अगले ही दिन दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सांकेतिक जेल बनाकर प्रदर्शन किया, जिसके अंदर उसने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के कटआउट लगा दिए। जेल के एक तरफ विपक्ष के नेताओं और दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की तस्वीरें लगाई गईं। बीजेपी नेताओं ने दोनों पक्षों की तुलना करते हुए नारेबाजी भी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। उधर छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों पर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने बैठक की, जिसके बाद वहां भी राजस्थान जैसी कलह के संकेत मिले, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर सस्पेंस बना रहा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अटकलें लगी कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री पद पर खींचतान हुई। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार के चुनाव में भी वो खींचतान जारी है, क्योंकि बैठक के बाद टीएस सिंहदेव ने बयान दिया कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी बने रहने के संकेत भी दिए। मंत्री पद का दावा आपका है या छोड़ दिया अभी? तो हाई कमांड तय करता है। छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव होंगे, जिनकी तैयारियों के लिए दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में बैठक हुई। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां कांग्रेस नेता और राज्य में मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया गया। लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहे खींचतान पर कांग्रेस ने समाधान निकाला और टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम का पद दे दिया। इसी साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, तो ये कैसे हुआ? अभी तक तो इसके कोई आसार दिख नहीं रहे थे। देखिए, टीएस सिंहदेव तो मुख्यमंत्री का पद मांग रहे थे, लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल, सिंहदेव के बीच लगभग आधे घंटे की बैठक चली है खड़गे के घर पर, जिसमें राहुल गांधी ने इंसिस्ट किया, टीएस सिंहदेव को मनाया है और उनसे कहा है कि फिलहाल आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, आप लोग मिल करके चुनाव से पहले एकजुट इकट्ठा होकर के चुनाव जीतने, उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला बाद में किया जाएगा। यानी टीएस सिंहदेव मांग कर रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया गया, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी में गुटबाज खत्म करके अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कड़ी टक्कर लेने के लिए दोनों को तैयार किया गया है। और लेकिन अभी भी टीएस सिंहदेव का ये मानना है कि चुनाव जो है सांसद नेतृत्व में होगा और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह आलाकमान ही तय करेगा, यानी वो मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। फिलहाल उप मुख्यमंत्री पर वो आसीन होंगे टीएस सिंहदेव। शुक्रिया अरुण आपका। उधर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका को पूरी ताकत झोंकने की सलाह दी गई। ईरान इंटरनेशनल नाम के न्यूज चैनल ने दावा किया कि अमेरिका के ज्यादातर सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए और सख्ती बरतने के लिए कह दिया, ताकि किसी भी तरह से ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका जा सके। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक अमेरिका के 249 सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से ईरान को सबक सिखाने के लिए पूरी ताकत झोंकने को कह दिया। हालांकि ईरान पर अमेरिका पहले ही कई कड़े प्रतिबंध लगा चुका है, ताकि ईरान परमाणु बम बनाने की अपनी जिद छोड़ दे। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपने पैर पीछे नहीं खींचे, बल्कि कुछ घातक मिसाइलों का परीक्षण कर अमेरिका को चिढ़ाने का ही काम किया। इतना ही नहीं, उसने खतरनाक ड्रोन बनाकर भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। यही वजह रही कि ईरान को रोकने के लिए अब बाइडेन को पूरी ताकत झोंकने की सलाह दी गई। इधर बेंगलुरु में कांग्रेस नेता रमेश बाबू ने बीजेपी की आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, क्योंकि अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जिसमें अमित मालवीय ने राहुल गांधी का एक एनिमेटेड वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उनके अमेरिका दौरे पर दिए गए बयानों का जिक्र किया गया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी की आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के इसी ट्वीट पर कांग्रेस भड़क गई और कर्नाटक में कांग्रेस नेता रमेश बाबू ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। वी हैव टेकन द लीगल ओपिनियन, जबकि बीजेपी ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट माना। ये बौखलाहट दिख रही है। राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर गए थे। अमित मालवीय ने जो एनिमेटेड वीडियो शेयर किया, उसमें राहुल के अमेरिका दौरे पर दिए गए विवादास्पद बयानों का जिक्र था, जिसने कांग्रेस का पारा चढ़ा दिया।
उधर अमेरिका में आए एक ताकतवर तूफान की वजह से हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ गईं। वहां कई इलाकों में इस तूफान की वजह से तबाही देखने को मिली, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका के पूर्वोत्तर के इलाकों पर पड़ा, जिसकी वजह से करीब 26,000 उड़ानें घंटों तक रुकी नहीं। और पिछले 3 दिनों में अमेरिका में करीब 7,000 उड़ानों को रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से लाखों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां के मौसम विभाग ने आशंका जताई कि अमेरिका के कई हिस्सों में इस तूफान का असर बढ़ भी सकता है, जिसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में वहां हवाई सेवा पूरी तरह ठप होने की नौबत भी आ सकती है। इधर आसमान से बरसी आफत ने चीन में भी जबरदस्त तबाही मचाई। वहां के सिचुआन प्रांत में मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया, जिसके मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हो गई और 900 से ज्यादा लोगों की जान पर बनाई। जानकारी के मुताबिक चीन के सिचुआन प्रांत में कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा भरभराकर जमीन पर आ गया, जिससे ऐसी तबाही मची कि आसपास की कई रिहायशी बस्तियां एक झटके में मिट गईं। इस तबाही के जो वीडियो सामने आए उनमें चारों तरफ सिवाय पानी और पहाड़ के मलबे के कुछ नहीं दिखा। चीन की सरकार ने वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और करीब 10 लोग लापता बताए गए। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों ने 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया। उधर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इमरान खान के एक करीबी नेता के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। इमरान खान की पार्टी के पूर्व सांसद और उनके करीबी लालचंद माली ने अपने घर पर हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई का एक वीडियो ट्वीट किया और पाकिस्तान की सरकार को फांसीवादी बता दिया। लालचंद माली ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वो इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, माली के मुताबिक इमरान से दुश्मनी निकालने के चक्कर में शहबाज सरकार बौखला गई, इसलिए जानबूझकर पीटीआई नेताओं को परेशान किया जा रहा है। पीटीआई के कई नेताओं ने लालचंद माली के घर को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की और इमरान खान ने आरोप लगाया कि शहबाज सरकार प्लान के तहत उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रही है ताकि वो मजबूर होकर पीटीआई छोड़ दें। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि क्राइमिया में बार बार रेल लाइनों पर हो रहे हमलों ने रूस की परेशानी बढ़ा दी। क्राइमिया के गवर्नर ने बताया कि वहां एक रेलवे लाइन पर जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से काफी दूर तक पटरी उखड़ गई और वहां ट्रेनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। क्राइमिया के गवर्नर ने बताया कि पिछले 1.5 महीने में यह चौथी बार क्राइमिया की रेलवे लाइनों को निशाना बनाया गया। असल में क्राइमिया पर 2014 से ही रूस का कब्जा है और यूक्रेन के खिलाफ जंग में भी वो क्राइमिया की जमीन का इस्तेमाल करता आया है। रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाली रेलवे लाइन की मदद से सैनिकों को हथियार और दूसरी जरूरी चीजें भेजी जाती हैं। दावा किया गया कि इसीलिए यूक्रेन की सेना लगातार उन्हें निशाना बनाती है ताकि रूस की सेना को मिलने वाली मदद रोकी जा सके। उधर यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की के सहयोगियों ने उन्हें रूस पर हमले न करने की नसीहत दे डाली। उनका मानना है कि अगर यूक्रेन ने रूस के शहरों पर हमले किए तो रूस यूक्रेन को वैगनर ग्रुप का मददगार मानेगा और अमेरिका समेत यूक्रेन के तमाम सहयोगी देश ऐसा नहीं चाहते। यही वजह रही कि उन्होंने जेलेंस्की को रूस के शहरों को निशाना न बनाने की नसीहत दी। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की से ये साफ तौर पर कहा गया कि रूस और वैगनर ग्रुप के झगड़े में बिल्कुल न पड़े, क्योंकि इस वक्त अगर रूस पर कोई भी एक्शन लिया गया तो उसे अपने खिलाफ साजिश मानेगा, क्योंकि पुतिन लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वैगनर ग्रुप को भड़काने का काम अमेरिका और यूरोपीय देशों ने किया। अमेरिका को इस बात की आशंका सता रही है कि यूक्रेन के हमले रूस के इस आरोप को पुख्ता कर देंगे और पुतिन वैगनर ग्रुप की बगावत का ठीकरा अमेरिका और यूक्रेन पर फोड़ देंगे। इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने चेचनिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी। कादिरफ ने दावा किया कि इस सैटेलाइट की मदद से विमानों की सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा और जंग के दौरान भी इससे काफी मदद मिलेगी। 2.5 किलोग्राम का छोटा उपग्रह अखमत 1 चेचनिया का पहला उपग्रह है। इसे खासतौर से विमानों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। दावा है कि 1500 किलोमीटर के इलाके में किसी भी तरह के विमान की आवाजाही पर यह निगरानी रखेगा और इसकी खबर कंट्रोल रूम को देगा। मतलब ये कि दुश्मनों के विमानों पर चेचन लड़ाके अब अंतरिक्ष से नजर रख सकेंगे। चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने जानकारी दी कि अखमत 1 ने सफल लॉन्च के बाद काम करना भी शुरू कर दिया। उधर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि रूस की सेना जंग के दौरान यूक्रेन में 70 से ज्यादा आम नागरिकों की हत्या कर चुकी है। ये रिपोर्ट यूक्रेन में जंग की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक टीम ने बनाई, जिसके मुताबिक रूस की फौज ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए जंग के दौरान यूक्रेन के 800 से ज्यादा लोगों को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया। दावा किया गया कि हिरासत में पूछताछ के नाम पर उन लोगों को भयंकर यातनाएं दी गईं और विरोध करने पर 77 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में यूक्रेन की सेना पर भी आम लोगों के साथ बर्बरता करने के आरोप लगाए गए। इधर मध्य प्रदेश के दतिया में एक भयानक सड़क हादसा हो गया। वहां एक ट्रक के पलटने से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ट्रक में सवार सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक पुलिया को पार करने के दौरान यह हादसा हो गया।
बताया गया कि पुलिया पर पहुंचते ही ड्राइवर ने ट्रक से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से वो कई फीट नीचे खेतों में पलट गया। सूचना मिलने पे तत्काल रेस्क्यू की टीम पहुंची और जितने लोग फंसे हुए थे उनको सभी को रेस्क्यू किया गया है। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। उधर मुंबई के पास विरार से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक स्कूल बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि वो स्कूल बस बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी और उसी दौरान उस स्कूल बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते स्कूल बस धू कर जलने लगी, जिससे आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मच गया। स्कूल बस में लगी आग की वजह से आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। सूचना मिलने पर वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने बस में लगी आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि बस ड्राइवर ने समय रहते बस में सवार सभी बच्चों को वहां मौजूद लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। स्कूल बस में आग किस वजह से लगी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इधर पश्चिम बंगाल के मालदा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाश पिस्तौल के दम पर गहने की एक दुकान में लूटपाट करते दिखाई दिए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो लोग उस दुकानदार पर ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो दुकानदार गहनों को रखता दिखाई दिया। तभी कुछ नकाबपोश बदमाश उसकी दुकान में घुसे और पिस्तौल के दम पर उससे गहने छीनने लगे। जब उस दुकानदार ने इसका विरोध किया तो उनमें एक बदमाश ने उस पर हमला कर दिया, तो वहीं दूसरे ने उस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद उन बदमाशों ने उस दुकानदार को जमीन पर गिराकर लात घूंसे बरसाए और वहां रखे गहने लेकर फरार हो गए। गोली लगने से वो दुकानदार बुरी तरह घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच राजस्थान के भरतपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। वहां एक आदमी पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा। बताया गया कि उन दोनों के बीच पिछले 10 साल से विवाद था और इसी विवाद के निपटारे के लिए उन्होंने तलाक की अर्जी भी दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई के लिए ही वो महिला कोर्ट जा रही थी। आरोप है कि उसके इंतजार में पहले से खड़े उसके पति ने उसके आते ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसे जोरदार टक्कर मार दी। अपनी पत्नी रजनी के एक टक्कर मार दी है और इससे टक्कर से रजनी की मृत्यु हो गई है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर चीन में बेरोजगारी के आंकड़े बताने पर वहां की सरकार ने एक पत्रकार पर एक्शन ले लिया। चीन के आर्थिक हालात की तुलना महामंदी से करने पर उस पत्रकार को वहां की सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन कर दिया और अप्रैल 2022 के बाद की उनकी सभी पोस्ट और कंटेंट को हटा दिया, क्योंकि वू शाइबो नाम के पत्रकार चीन के आर्थिक हालात पर लगातार लेख लिख रहे थे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर रहे थे। वू शाइबो के लेखों में चीन की घटती जन्मदर और आसमान छूती युवा बेरोजगारी का जिक्र होता था। उन्होंने अपने बीते कुछ सालों में चीन की घटती विकास दर और बढ़ते कर्ज की तुलना 1930 में आई महामंदी से कर दी थी। इसी वजह से चीन की सरकार उनसे चिढ़ गई और बिना किसी नोटिस दिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया गया। यहां तक कि अखबारों की वेबसाइट पर छपे उनके पुराने लेखों को भी हटा दिया गया। इधर ताइवान ने चीन को सीमा उल्लंघन के मामले पर हमले की धमकी दे दी। ताइवान के मीडिया के मुताबिक वहां के रक्षा मंत्रालय ने चीन को चेतावनी दी कि अगर फिर से उसके लड़ाकू विमान या जंगी जहाज ताइवान के क्षेत्र में घुसे तो वो उन पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा और उसकी सीमा में घुसने वाले चीन के लड़ाकू विमान और जंगी जहाजों को तबाह कर देगा। ताइवान ने यह चेतावनी उस घटना के एक दिन बाद दी, जिसमें दावा किया गया कि चीन के 8 लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुसे। और अब ताइवान ने साफ कर दिया कि चीन की एक गलती उस पर भारी पड़ेगी, क्योंकि चीन की इस दादागिरी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसने भी अपने लड़ाकू विमान और जंगी जहाजों को तैनात कर दिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने कई मिसाइलें तैनात कर दी और चेतावनी दी कि उसकी सीमा में चीन के लड़ाकू विमान और जंगी जहाज दिखे तो वो उन पर हमला कर देगा। उधर चीन के बाद रूस के युद्धपोतों के ताइवान की सीमा के करीब पहुंचने से हड़कंप मच गया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि जापान सागर में ड्रिल के लिए जाते समय रूस के 2 युद्धपोत उसकी सीमा के करीब पहुंच गए, जिसकी वजह से ताइवान में दहशत फैल गई। ये घटना हैरान करने वाली है, क्योंकि चीन के लड़ाकू विमान और जंगी जहाज अक्सर ताइवान की सरहद में घुसपैठ करने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब रूस के युद्धपोत ताइवान के करीब पहुंच गए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस के 2 युद्धपोत उसके पूर्वी किनारे पर मौजूद सुओ शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी से गुजरे। हालांकि इस दौरान वो ताइवान की सीमा में दाखिल नहीं हुए, लेकिन रूस के युद्धपोतों को देखते ही ताइवान की सेना अलर्ट हो गई और उन पर तब तक निगरानी रखी गई जब तक कि वो ताइवान के बॉर्डर से काफी दूर नहीं चले गए। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की नेवी ने जापान सागर में सैन्य अभ्यास करके अमेरिका को अपनी ताकत दिखा दी। कुछ दिन पहले ही अमेरिका और जापान ने भी इसी इलाके में युद्ध अभ्यास किया था, जिसके जरिए उत्तर कोरिया, चीन और रूस को सीधी चुनौती दी गई थी। लेकिन रूस ने जापान सागर में ड्रिल करके ये साफ कर दिया कि वो इस इलाके में किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए तैयार बैठा है। रूसी नेवी के युद्धपोतों ने कई खतरनाक मिसाइलें लॉन्च की और दुश्मन को तबाह करने का अभ्यास किया। जापान और चीन के बीच मौजूद जापान सागर रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान के किनारों तक फैला है। इस इलाके में दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान तो अमेरिका के करीबी हैं, लेकिन बाकी देश यहाँ अमेरिका का दखल बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए जापान सागर में अमेरिकी युद्धाभ्यास के बाद रूस ने उसे अपनी ताकत दिखा दी। इधर राजस्थान के कोटा में एक ही दिन दो छात्रों की आत्महत्या से हड़कंप मच गया।
पुलिस ने बताया कि वहां विज्ञान नगर इलाके में रहने वाले दोनों ही छात्र नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक ही दिन में दो छात्रों के आत्महत्या करने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक आदित्य नाम के छात्र का शव रात में उसके कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला। उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला आदित्य करीब डेढ़ महीने पहले कोटा पहुंचा था और विज्ञान नगर इलाके में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब उसने अपनी जान दे दी। इससे कुछ घंटे पहले उसी इलाके में सुनील नाम के छात्र ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली थी। उधर यूरोप के देश इटली ने खुले में नमाज पढ़ने पर बैन लगाने की तैयारी कर ली। इसके लिए वहां की सरकार ने मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इटली सरकार के इस प्रस्ताव का वहां विरोध शुरू हो गया। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वहां की सरकार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। नए बिल के मुताबिक फैक्ट्रियों, दफ्तरों और मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक खुले में नमाज पर बैन के साथ ही इटली की सरकार धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भी कानून बनाने की तैयारी में है। इससे पहले इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चुनाव प्रचार के दौरान खुले में नमाज और धर्म परिवर्तन समेत इटली में मुस्लिम शरणार्थियों को रोकने के लिए कानून बनाने का वादा किया था। इस बीच स्वीडन की एक कोर्ट ऑफ पुलिस ने बकरीद पर एक मस्जिद के बाहर कुरान जलाकर प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी। स्वीडन के इस फैसले को उसके नेटो का सदस्य बनने का सपना हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो सकता है, क्योंकि इससे नेटो के सदस्य तुर्की का आग बबूला होना तय है। स्वीडन में जनवरी में भी कुरान जलाई गई थी, तब भी तुर्की बुरी तरह भड़क गया था। उसने दो टूक कह दिया था कि वो स्वीडन को नेटो का सदस्य नहीं बनने देगा, लेकिन फिर भी स्वीडन की कोर्ट और पुलिस ने एक शख्स को राजधानी स्टॉकहोम में बकरीद पर मस्जिद के बाहर कुरान जलाने की इजाजत दे दी। अगर ये विरोध प्रदर्शन हुआ तो तुर्की का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा, और अगर तुर्की का दिमाग घूमा तो स्वीडन कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि 31 देशों के सैन्य गठबंधन नेटो में शामिल होने के लिए उसके एक एक सदस्य की हामी चाहिए होती है, और तुर्की नेटो का एक बेहद अहम सदस्य है। वहीं स्वीडन नेटो का नया सदस्य बनना चाहता है, लेकिन उस पर तुर्की की नाराजगी भारी पड़ रही है। इसी वजह से तुर्की एक साल से स्वीडन की नेटो में जुड़ने की अर्जी पर अड़ंगा लगाए बैठा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की जबान एक बार फिर फिसल गई। रूस यूक्रेन जंग पर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कह दिया कि पुतिन इराक में युद्ध हार रहे हैं, और इतना बोलने के बाद वो रुके नहीं बल्कि आगे भी बोलते रहे। उन्होंने कहा कि पुतिन अपने घर में छिड़ी जंग हार रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया ने उनसे किनारा कर लिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति की जबान फिसली हो, इससे पहले भी कई बार गलत बयानों की वजह से उनकी फजीहत हो चुकी है। इस बीच अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संकट के दौरान 200 बिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले हुए। वहां छोटे व्यापारियों को महामारी की मार से बचाने के लिए सरकार की तरफ से सस्ती दरों पर लोन दिए गए, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार की इस योजना में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए, जिसकी वजह से लोन के तौर पर जो रकम जारी की गई उसका 20% से ज्यादा हिस्सा कहां गया इसका पता ही नहीं चल सका। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में घोटाले की यह रकम 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। कोरोना काल में छोटे व्यापारियों की मदद के लिए डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने दो योजनाएं शुरू की थी, जिन्हें बाइडेन के शासन में भी आगे बढ़ाया गया। कदमों की आहटों से अनजान रहे होंगे, कदमों की आहटों से अनजान रहे होंगे, ये रास्ते कभी तो सुनसान रहे होंगे। सौबात की एक बात कही सूरज ने, दुनिया की भीड़ से जो हटकर हैं उन्हें पढ़ लो, हम पूजते हैं जिनको इंसान रहे होंगे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की एक बात का।